उज्जैन जिले के नागदा में गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी प्यारे मोहन उम्र 70 वर्ष की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वृद्ध घर में अकेले थे, उनकी वाइफ और बेटा किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। एडिशनल एसपी गणेश और फोरेंसिक अधिकारी अरविंद नायक द्वारा बताया जा रहा है कि प्यारे मोहन ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना मकान बेचा था, जिसके हत्यारे को खबर पहले से ही थी, जिससे उसने लूट के मकसद से घटना को अंजाम दिया। घर में अलमारी के ताले भी टूटे हुए पाए गए और उसमें रखे 45,000 रुपए भी गायब मिले। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। सर ये जो जांच हुई थी, इसमें सर जांच आपने करी है फोरेंसिक में, सर इसमें क्या पाया आपने? घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हरि मोहन जी 70 वर्ष के, उनकी डेड बॉडी किचन में मिली है गवर्नमेंट कॉलोनी में। घटनास्थल का निरीक्षण किया है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पुलिस डॉग भी साथ में। सर प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है आपको, क्या उनकी हत्या का प्रकरण है? गला दबा के गले में निशान मिले हैं। मृत्यु का कारण पीएम में स्पष्ट होगा, पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। सर आपके हिसाब से भी क्या लगता है, गला दबा के हत्या की सर किसी उद्देश्य से की है? वो उद्देश्य के संबंध में विवेचना पुलिस करेगी। और भी कुछ मिला सर आपको? भौतिक साक्ष्य मिले हैं, उनको प्रिजर्व किया गया। सर कितने लोगों के होने की संभावना है सर इसमें? ये अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एक से अधिक हो सकते हैं। कुछ रकम भी गई है सर यहाँ पर? हाँ, ऐसा विवेचना अधिकारी ने बताया कि सर परिवार वालों के हिसाब से कुछ रकम गायब हुई है, मतलब जो निकली है उसमें से? ये विवेचना पुलिस वाले कर रहे हैं, तो उनको इस बारे में ज़्यादा संज्ञान। और सर कितने अभी कितने जनों के फिंगरप्रिंट सर मिले हैं? और वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जाँच कर रहे हैं उसका घटना से। सर इसकी रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? इसकी रिपोर्ट तो मिल जाएगी तत्काल, उसमें कोई बात नहीं। जो भी संदेह होगा उससे मिलान संबंधी कार्रवाई आगे पुलिस करेगी। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।